अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मिस्टर पॉम। हाल ही में मंजर आम पर आने वाली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की वीडियो में जो बातें की गईं, वैसे तो बेसरोपा और बेबुनियाद हैं और बिल्कुल सेंसलेस हैं। बहरहाल हम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बेहतर समझते हैं कि इनमें से कुछ बातों के जवाब जरूर दिए जाएं। ये कोई हैरत और अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी डॉक्टर साहब को इस तरह के कई दिमागी दौरे पड़ते रहे हैं। माजी में भी अक्सर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ऑन एयर और ऑफ एयर इस किस्म की हरकतें करते आए हैं। उन्हें तमाम बातें मालूम थी, उन्हें पहले से बता दिया गया था। फिर ये उन्होंने कहा कि एक प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं है, तो प्रोफेशनल एटीट्यूड एक प्रोफेशनल इदारे में अच्छा लगता है। वैसे मैंने प्रोफेशनली उनको हर चीज बता दी थी। डॉक्टर साहब, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। असल में तो आपने हमें बताया था कि मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत नासाज है, जिसके बाइस मैं प्रोग्राम करने से कासिर हूँ। और जब आपको फोन कॉल की जाती थी तो आप खांसते थे और कहते थे कि अभी मैं प्रोग्राम नहीं कर सकता। बोल के तमाम पुराने और साबिक साथियों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि उनको सब पता था, उनके सब इल्म में था। अगर ऐसी कोई बात है तो कोई दस्तावेजी सबूत तो आपके पास होगा, कोई रेजिग्नेशन लेटर या फिर कोई ईमेल ही सामने ले आइए, या फिर कोई मैसेज ही किया होगा। मैं नहीं चाहता कि पिंडोरा बॉक्स खुले और बहुत सारी बातें कही जाए, क्योंकि फिर बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। दूसरी बात जो आपने की कि आप झूठ पर मबनी पेंडोरा बॉक्स खोलेंगे, तो पेंडोरा बॉक्स तो आप खोल चुके, अब हम पेंडोरा कंटेनर खोलेंगे जिसमें से एक के बाद एक सच निकलेगा। और ये बात याद रहनी चाहिए कि ऐसे नहीं चलेगा प्रोग्राम, नहीं किया करता था। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा आप करते थे, लेकिन यहाँ हम आपको ये याद दिलाते चलें कि ऐसे नहीं चलेगा करना हमने आपको सिखाया था, वरना उससे पहले आप आम खिलाते और चूरन बेचते थे। ये इंतजामिया की पॉलिसी थी, लेकिन जो चीजें मुझसे कहलवाई गई वो मैंने कह दी थी। आपने कहा कि इस शो के दौरान की गई तमाम बातें आपसे कहलवाई जाती थी। डॉक्टर साहब, क्या आप काके मन्ने हैं? रोटी को चोची और चावल को हप्पा बोलते हैं कि जो हमने कहा वो आपने कह दिया? आपका 30 साल का ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन का एक्सपीरियंस कहाँ गया? डॉक्टर साहब, क्या आप पढ़े लिखे हैं? अगर हैं तो शो से पहले एक डिस्क्लेमर चलता था, शायद आपने कभी नहीं देखा, अगर नहीं देखा तो अब देख लें। वैसे तो शो के दौरान आपकी हरकतों की वजह से ऑर्गेनाइजेशन ने यह प्रोग्राम लाइव से रिकॉर्डेड कर दिया था, लेकिन आपने लड़ लड़ कर यह प्रोग्राम लाइव करने की फरमाइश की, जिसकी वजह से कई बार मसले मसाइल हुए। इस वीडियो के जरिए उन तमाम शख्सियात का नाम लिए बगैर, क्योंकि बहुत सारी शख्सियात हैं जिनकी दिल आजारी हुई ऐसे नहीं चलेगा के जरिए से, मैं उनसे तहे दिल से माजरत चाहता हूँ, मैं उनसे माफी मांगता हूँ, और हो सके तो वो मुझे माफ कर दे। डॉक्टर साहब, ये आपने बिल्कुल सही काम किया, क्योंकि वाकई माफी तो बनती थी। आपने जो बातें की, जो हरकतें की, इस पे आपको बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। बल्कि जो आखिरी प्रोग्राम आपने किया, इस पर तो आप पर लाइफ टाइम पाबंदी लगनी चाहिए, और अगर ना लगी तो इस बार बोल खुद आपके खिलाफ अदालत में जाएगा। ये इंतजामिया की पॉलिसी थी। मैं एक बहुत दूसरे टाइप का आदमी हूँ, सॉफ्ट इंसान हूँ, लेकिन जो चीजें मुझसे कहलवाई गई वो मैंने कह दी थी। अगर आप ये कहते हैं कि आपने जो कहा और किया वो आपने हमारे कहने पे किया, तो बोल ज्वाइन करने से पहले जब आप एमक्यूएम के साथ थे और उससे भी पहले जो आप कहा करते थे और जो आप किया करते थे, क्या वो भी आपको हमने कहा था? क्या इतना वसी तजुर्बा रखने वाले शख्स को चैनल बताएगा कि उसे क्या कहना है और क्या करना है? हमारे साथ तो नजीर लगारी, आमिर जिया, हमजा अली अब्बासी और बहुत सारे ऐसे नाम हैं, उन्हें भी क्या हम बताते हैं कि उन्हें क्या कहना है? असल बात यह है डॉक्टर साहब कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता,
जब आप बीमारी का बहाना बनाकर गायब हुए तो बोल नेशनल डिबेट भी हुआ आमिर जिया के साथ और बहुत सक्सेसफुल हुआ। प्रोग्राम लगती है तो लगे भी हुआ और गेम शो की कामयाबी ने तो आपको पागल ही कर दिया। चौधरी ब्रदर्स और वीना ने कमाल ही कर दिया। जिस रेटिंग का हम आपके साथ तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे वो रेटिंग हासिल की और जिन गेम शो से आपको निकाला गया वो इंतहाई शाइस्ता जबान में बगैर किसी की तजलील किए बेहतरीन रेटिंग्स के साथ कामयाबी से जारी है। शायद इसी की आपको सबसे ज्यादा तकलीफ है और मैं मिस्टर कॉम तो अपना प्रोग्राम कर ही रहा हूँ तो अब कॉम के साथ ऐसे नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आप पढ़े लिखे हैं क्योंकि हमें तो शक है। उन्हें चाहिए कि मेरे ड्यूज क्लियर करें और अपनी गाड़ी ले जाएं। आपने जो अपनी सैलरी वाली बात की है तो जरा बराए मेहरबानी अपना कॉन्ट्रैक्ट एक दफा पढ़ लें और अगर नहीं पढ़ सकते तो हमें बता दें, हम स्क्रीन पे दिखा देंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तो अब हिसाब किताब आपकी तरफ निकलता है। डॉक्टर साहब बातें तो बहुत है मगर अपने अपने जर्फ की बात है। जिंदगी में लोग आते जाते रहते हैं और जिंदगी यूं ही चलती रहती है मगर जब अपने साथ होते हुए भी साथ ना हो तो बहुत अफसोस होता है। ये बात आपसे बेहतर कौन जानता है। इस बात को तो आप अच्छी तरह समझते हैं ना डॉक्टर साहब। लोग बहुत समझदार हैं, सच और झूठ का फर्क जानते हैं। आप कल क्या कहते थे और आज क्या कह रहे हैं इसको बखूबी समझते हैं तो बाकी फैसला हम लोगों पे छोड़ते हैं। तो आखिर में मैं आपसे यही कहूंगा, अल्लाह हाफिज डॉक्टर आमिर और कौम के साथ ऐसे नहीं चलेगा।